और खबर है कि संकल्प पत्र जारी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक और मध्य प्रदेश का दौरा भी करेंगे। कर्नाटक के मैसूरू और बेंगलुरु के प्रधानमंत्री वहां पर रोड शो करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में पीएम की चुनावी रैली को संबोधित कर सकते हैं। तो 14 तारीख को संकल्प पत्र बीजेपी जारी कर देगी और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत का दुर्ग भी साधने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जहां पर कर्नाटक और मध्य प्रदेश का भी वो दौरा करेंगे। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ अमेठी सीट से भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस पार्टी की एक आंतरिक बैठक में राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने पर सकारात्मक संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस सांसद का मन बदल रहा है। 26 अप्रैल को केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होनी है और इसे ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने पर फैसला कर सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हार गए थे, हालांकि वायनाड में वो जीत गए थे और इस बार फिर से कांग्रेस ने वायनाड से राहुल गांधी को उम्मीदवार घोषित किया है। अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी, इस पर लगातार चर्चा भी हो रही है और आगे उनकी ओर से ही ये पूरा फैसला यहां पर लिया जाना है। अब वॉल ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि आखिर जो अमेठी सीट है वो कितनी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए भी। 2019 तक गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाली अमेठी लोकसभा सीट पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है और अब कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का नाम भी सामने आने लगा है, जो यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से एक बार फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से मैदान में है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए अमेठी लोकसभा सीट के इतिहास के बारे में भी यहां पर समझाते हैं। 1967 से इसकी शुरुआत होती है। 1967 में पहली बार अमेठी लोकसभा सीट पर चुनाव हुए और इस चुनाव में कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी को जीत हासिल हुई। 1971 आता है, 1971 के आम चुनाव में भी विद्याधर वाजपेयी को जीत हासिल होती है। 1977 में जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह जीते। 1980 में संजय गांधी ने चुनाव लड़ा और वो जीत गए। 1981 के बाद उपचुनाव में राजीव गांधी चुनाव जीतते हैं और 1984, 1989 और 1991 में राजीव गांधी को जीत मिली। 1991 के उपचुनाव में कांग्रेस के सतीश शर्मा जीतते हैं। फिर आता है साल 1996, जब कांग्रेस के सतीश शर्मा एक बार फिर चुने जाते हैं। 1998 में बीजेपी को यहां से पहली बार जीत हासिल होती है और 1999 में सोनिया गांधी ने इस सीट पर जीत दर्ज की। 2004, 2009 और 2014 में राहुल गांधी को यहां से जीत मिलती है, लेकिन 2019 के आम चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी यहां से जीत जाती हैं। राहुल गांधी को निकम्मा कहने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर कांग्रेस राशन पानी लेकर